आइए जो है देखते हैं, देखिएगा आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल। तो ध्यान से देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते, देखिए क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडरूट में एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडरूट में कॉस एक्स, देन प्रूव दैट साइन वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये है क्या है, इफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडरूट में कॉस एक्स माइनस ये और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखिए फार्मूला जानते हैं क्या, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो हमने क्या करना है, कास को कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये फार्मूला बता दिया। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे ना तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना टेन इनवर्स और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा कॉस एक्स। उसके बाद क्या करना, माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट में कॉस एक्स, ये हो गया। मतलब हम लोग को काट को हटाना है, टेन के टर्म में लाना है। अब वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस इसको जब ऐड करेंगे तो टू टेन इनवर्स अंडर रूट में कॉस एक्स, ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हमको हम लोग जानते, देखिए फार्मूला फिर लगाते हैं, क्या फार्मूला होता है, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इतना। फिर इसके हिसाब से अगर हम रखेंगे तो हमारा पाई बाई टू माइनस यहाँ से हो जाएगा कितना, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये समझिए इसका एक्स है, तो यहाँ बचेगा वन माइनस कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसके आगे वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस, अब देखिए यहाँ पर जो इसमें हमको लगाना है फार्मूला, वन माइनस कास वन प्लस साइन। अगर हम लोग देखिए कास कास टू थीटा से अगर लगाते हैं, टू एक्स से लगाते हैं, या कास टू थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो एक में होता है हम लोग का कास स्क्वायर थीटा माइनस वन और एक होता है वन माइनस साइन कितना होगा, एक में होता है टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन और एक में होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब यहाँ से देख ले माइनस वाला कैसे आ सकता है, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ से ये वाला हो गया, इसको इधर लाएंगे तो इसका मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कास थीटा हो जाएगा टू थीटा, और यहाँ से अगर हम लोग प्लस वाला लेंगे तो टू कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस कास टू थीटा। देखिए ये दोनों आ गया, तो वन माइनस कास थीटा इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान, और यहाँ हो जाएगा टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको तो आपको मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो मिलेगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, और यहाँ हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे x बाई टू, यहाँ पे आप थीटा की जगह x बाई टू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग जानते हैं पाई बाई टू, तो ये y इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर x बाई टू, और ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर लिए, इसको प्रूफ कर लिए, तो यही आंसर है, ठीक है, ये आपका
आंसर है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप जरूर हमसे कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे डाउट है, क्या नहीं समझ में आएगा, किस स्टेप में नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला लगा। और अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करिए आप समझने की, क्योंकि टाइम कम है। पेपर में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडरूट, हाँ काट इनवर्स अंडरूट में cos x, और यहाँ साइन होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लग गया, ये हम लोग जानते हैं, टेन इनवर्स x प्लस काट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। तो काट इनवर्स x को पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स x होता है, तो y इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसको रिप्लेस कर दिया और दोनों ऐड होकर ये आ गया। फिर यहाँ फॉर्मूला टू टेन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x होता है, वन माइनस यहाँ पे x स्क्वायर। तो ये हमारा समझ लिए अंडरूट में जो cos x है स्क्वायर, ये x है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो cos का स्क्वायर होगा, अंडरूट से हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से हट गया और ये वैल्यू मिल गई आपको। उसके बाद फिर क्या करना, यहां पे बन गया तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, 2 का स्क्वायर थीटा माइनस है मतलब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 होते हैं। इसको हम लोग साइन इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहां रखेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा, और अगर 1 को उधर कर देंगे ये आ जाएगा, इसकी जगह यहां पे हम लोग रिप्लेस करके लिख देंगे, ये कट गया थीटा बाय 2 tan स्क्वायर, ये हो जाएगा x बाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर कास स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या कर दिया, इतना जो फॉर्मूला होता है, फिर एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ऐसे ही साइन इनवर्स जो है कहाँ गया, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, उसकी जगह हम लोग रख देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको इधर कर दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसको इधर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो आप लोग ध्यान से देख ले, कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।